हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह तो बहुत महंगे होते होंगे ना? हाँ, ऑब्वियसली। तो अगर इंडियन स्टेट्स या फिर फॉरेन कंट्रीज के आर्ट एंड क्राफ्ट को एक्सपीरियंस करना हो तो कितने पैसे लगेंगे? बहुत पैसे लगेंगे। क्यों, तुम्हारे कितने चिल्लर इकट्ठे हुए? सिर्फ 120। ₹120 में आप 20 कंट्रीज और 20 से भी ज्यादा इंडियन स्टेट्स के आर्ट को फील कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो आइए सूरजकुंड मेले को एक नए नजरिए से देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू पूजापुर की पंचायत। और आज है मैं सूरजकुंड मेले में, यानी कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्राफ्ट मेले में। और आज से पहले हमें भी ये नहीं पता था कि इंडिया में वर्ल्ड का बिगेस्ट क्राफ्ट मेला लगता है। और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्हें साड़ी, सूट, शॉल या फिर जूट बैग्स के रेट पता करने हैं, क्योंकि उसके लिए आई एम श्योर आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ये वीडियो उनके लिए है जिनको नेशनल और इंटरनेशनल आर्ट और क्राफ्ट से बेहद प्यार है, और अनफॉर्चुनेटली वो इस बार ये मेला एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो एक्चुअली सूरजकुंड मेले में हर साल एक डिफरेंट थीम स्टेट रखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली ही सारी डेकोरेशंस होती है। इस बार का थीम स्टेट गुजरात है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे होंगे ये गेट जो 2015 छत्तीसगढ़ लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2015 में सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट छत्तीसगढ़। तो अब हम एंटर कर रहे हैं आज का फर्स्ट स्टेट, यानी कि छत्तीसगढ़। तो यार, यहाँ पे चीज़ें तो आर्टिस्टिक हैं ही, लेकिन यहाँ का डेकोर और जो थीम है वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर हट्स का थीम बना हुआ है जो हमें छत्तीसगढ़ का एसेंस और फील दे रहा है। पर इस वक्त हमें कोई फॉलो कर रहा था। तो इतने सस्पेंस के बाद पता चला उसे सिर्फ कैमरे के बारे में ही पूछना था। कैसे बनाते हैं सीधी आप? ये मिट्टी से। मिट्टी से बनती है? अच्छा, खुद ही बनाते हैं घर पे? एक बार बजा के दिखाएंगे। तो यहीं से स्टार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट जोन, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे इको फ्रेंडली जूट बैग्स और कॉटन के प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे जो डेकोर के लिए काम आएंगे। यहाँ आपको सिक्किम का थोड़ा सा फ्लेवर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा चेकआउट करना है तो हमारे व्लॉग जरूर चेकआउट कीजिए, ऊपर आई बटन में। छोटा सा बच्चा हमें मिला है, इसका नाम है, आपका नाम? दिव्यांश प्रताप सिंह। तो वैसे तो हम भी यहाँ पे YouTube वीडियोस देखकर ही पहुँचे हैं। तो फिर हमारे अंदर का कीड़ा जागा और हमने की थोड़ी रिसर्च, जिसमें हमें पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली 20 से ज्यादा स्टेट और 20 कंट्रीज के आर्ट और कल्चर को शोकेस तो किया जा ही रहा है, बल्कि हर दिन यहाँ पे कई इंटरनेशनल परफॉर्मेंस और इंडियन सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ चीजें ही आर्टिस्टिक नहीं है और क्राफ्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो पूरा डेकोर है और थीम है वहाँ पे भी बहुत सारे बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। जैसे यहाँ पीछे बना हुआ है बनारस का घाट का एरिया बना हुआ है, जो सीढ़ियाँ हैं वो घाट को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। तो अभी तक हमने सिर्फ नेशनल क्राफ्ट ही देखे हैं, जो हमारी स्टेट की क्राफ्ट है, बट इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड। तो जैसा कि आंटी ने बताया कि ये सारे नेचुरल कलर्स और नेचुरल डाइज से बनते हैं और सारे कुछ हैंड पेंटेड है और सीधा बिहार से यहाँ पे आए। पीछे एक बहुत ही सुंदर ओपन एयर एम्फीथिएटर जहाँ पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, और आज शाम को यहाँ पे परिक्रमा बैंड आने वाला है, तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उसके बारे में सुना था और यूट्यूब में देखा था, पर आज उसे हम लाइव देखेंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में आई हूँ, और अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ इंडिया का ही हैंडीक्राफ्ट है जो बहुत सुंदर है, या यहाँ का ही क्राफ्ट है, यहाँ के आर्टिजन्स हैं जो बहुत अच्छा बना रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड ही जो हैंडीक्राफ्ट है और क्राफ्ट है वो बहुत ही सुंदर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आना काफ़ी वर्थ है, और ₹120 में तो बहुत ही ज़्यादा। दिस इज हैंड पेंटेड, यू मेड इट, वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। This is a family and it's from Uganda. Okay. Traditional dress. Traditional dress, yeah. A tribal family. Okay.
ये सब कुछ कोकोनट शेल से बना हुआ है, देखो कितना प्रीटी है। तो यार एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो बहुत सारी कंट्रीज जिसका हमें नाम भी नहीं पता था उसकी भी हमें स्टॉल्स दिख रहे हैं और उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। This lighting lamps, it's made of two materials, glass and lamps. Every single piece in these lamps was made hand by, step by step. This painting reflects the streets and my city, Damascus, the capital of Syria. This is mosaic boxes, you see? This is made of rosewood and walnut wood. Every piece was separate and they combined together to make these beautiful patterns. तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो वैसे अफ्रीका से है लेकिन वो यूरोप के बॉर्डर से आते हैं, तो उनको जनरली फ्रेंच आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो बहुत सारे लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन कर भी नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सैड है, लेकिन जिनके साथ भी कर पा रहे हैं उनके साथ हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करें। जब मैं लास्ट टाइम आई थी आई वेंट टू दिस अफ्रीकन कंट्रीज वाले स्टॉल पे ही एंड आई गॉट दिस स्मॉल की चेन्स काइंड ऑफ थिंग एंड नोइंग दैट वहाँ के कल्चर भी इतना ज़्यादा डाइवर्स है एंड देम गेटिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच अगेन इज इटसेल्फ अ वेरी डाइवर्स कंट्री तो इट इज़ ऑफकोर्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर दी स्मॉल कंट्रीज लाइक इवन लाइक वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बांग्लादेश स्टॉल सो वहाँ के कल्चर के बारे में भी जानना है एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग एज वेल। यहाँ पे जगह जगह पे आपको पानी और टॉयलेट मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यह है कि डिसेबल्ड के लिए अलग से टॉयलेट बना हुआ है और इनफैक्ट टॉयलेट भी इतना सुंदर बना हुआ है। तो यहाँ कल्चर और क्राफ्ट की ऐसी खिचड़ी सी बन रही है ना कि मतलब एक फरीदाबाद का इंसान एक रशिया के आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देख रहा है काफी अमेज होकर के, तो वो देखने का एक्सपीरियंस एक अलग ही है। तो अब तक जो मेरे माइंड में ट्रेड फेयर जो कि प्रगति मैदान में लगता है उसको लेकर परसेप्शन था कि सबसे बड़ा फेयर वही होगा, तो वहाँ पे हर स्टेट के अलग अलग पूरे हॉल होते हैं, बट ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक तो नहीं है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं भी किसी भी स्टेट के स्टॉल मिल जा रहे हैं, अभी आप अगर उत्तर प्रदेश का देखोगे तो चार कदम आप फिर से आपको उत्तर प्रदेश का दिख जाएगा वैसा सा है, बट ओवरऑल है बहुत ज़्यादा एरिया आपको कवर करने के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे कि प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगता है वहाँ पर इतनी क्राफ्ट से रिलेटेड और इतनी डाइवर्स चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ें हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तंजावुर पेंटिंग स्टार्ट्स इन 16th सेंचुरी हु स्टार्टेड इज सरबोजी महाराज। एक्चुअली दिस इज ऑल द स्पेशल द पेंटिंग इज फुली गोल्ड वर्क, इट्स प्योर 22 कैरेट गोल्ड पॉलिश एंड वेरी स्पेशल ऑफ द पेंटिंग इज इवन 100 टू 150 इयर्स इज बी रिमेनिंग सेम स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 टू 8 लाख रुपया। तो यार एक बात तो कमेंडेबल ज़रूर है कि यहाँ की मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छी है और कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। हाँ अगर क्राउड की बात करें तो यहाँ पे मिक्स क्राउड है क्योंकि ये फरीदाबाद में हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी रूरल एरियाज़ के लोग भी हैं और सिटीज़ के लोग भी हैं, तो क्राउड वैसा ही है, बाकी आप अलर्ट रहें और अपनी चीज़ों को ध्यान से रखें। ये चीज़ को वुडन ले बोलते हैं, इसमें क्या रंग है, ये पूरा लकड़ी का कलर ही नेचुरल, एक एक पीस भी हाथ से कटिंग करके चिपकाते हैं, इसमें पेंट किंट कुछ भी नहीं है, लकड़ी का कलर है नेचुरल, ऐसा हाथ से कटिंग एक एक पीस भी हाथ से कट करके फिक्स करके बाद में ऊपर 3D जैसे मारते हैं। 1800 से 1,00,000 पीसेस तक, ये 2,00,000 का है, 2,00,000 रुपये का भेजने के नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन तो भी लिया तो इसमें गुंजाइश नहीं है, नेशनल अवार्ड मिला है ना इसमें। कुल्लू शॉल के लिए मिला हुआ है। तो वो कौन सी शॉल है जिसके लिए नेशनल? अभी तो नहीं है वो हमारे पास, अभी तो ये 80,000 की है, 1,10,000 की भी थी जो हमारे पास 3 पीस अभी परसों बिके हुए हैं। तानी में इसका जरी चला हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो है कोटा तानी है और 26-1 भरनी चला हुआ है ये साड़ी में, कारीगर बनाता है ये, 4 दिन में एक साड़ी तैयार होता है सर, कारीगर को अवार्ड दिया जाता है ये सब बनाने। तो ये हैंडलूम का सेक्शन है और अभी तक हम जितने भी सेक्शंस में गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कम भीड़ यहाँ है और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा टाइम इस आर्ट और क्राफ्ट को लगता है, तो ये थोड़ा सैड है। जैसे कि जो हमारे हिमाचल के क्राफ्टमैन थे वो कह भी रहे थे कि हैंडलूम को ये वाला साइड दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम भीड़ आती है, तो वो थोड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है, बट आई होप लोग यहाँ पर आएँ और ज़्यादा इन आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। तो बेसिकली आधा दिन अभी निकल चुका है और हम आई डोंट थिंक 50% भी कवर कर पाए हैं। ये इतना बड़ा मेला है कि आप जिस डायरेक्शन में सीधे सीधे जाते हो वहाँ से इतने सारे रूट्स और निकलते हैं कि आप कहीं ना कहीं उसमें एंटर होते हो और फिर आपको टाइम लगता रहता है। ये आर्ट लवर्स के लिए तो एक पैराडाइज है, पर ये इतना बड़ा है कि एक दिन में इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है और घूमते घूमते आपके पैर तो ज़रूर दुखने वाले हैं।
तो ये भी एक बहुत ही सुंदर आर्ट फॉर्म है वुड कार्विंग्स का, और इसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम 9,000 टू 1 लाख टू 2 लाख डिपेंडिंग ऑन जो क्राफ्टमैनशिप है और जो साइज़ है उस वुड कार्विंग का। तो अब हम एंटर करने वाले हैं गुजरात के स्पेशल जोन में, क्योंकि यहाँ का इस बार का सूरजकुंड मेला का थीम भी गुजरात है। तो अभी हम स्टेप इन करेंगे गुजरात के कलरफुल वर्ल्ड। किसी भी स्टॉल से गुजरो ना और थोड़ी देर आप देख के जाओ तो ऐसे उम्मीद से हो जाते हैं आर्टिजन्स और शॉपकीपर्स के मन में कि अभी कुछ लेंगे और हम बस देख के गुजर जाते हैं। थोड़ा बुरा सा तो लगता है पर क्या करें, आप सब कुछ तो ले नहीं सकते। गुजरात की खुशबू में मिट्टी ज़्यादा आ रही है, कोल्ड भी ज़्यादा हो रहा है। तो शाम के अभी 5 बजने वाले हैं और शाम होते होते भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो मेन स्ट्रीट है जहाँ पे कार्निवल होने वाला है वहाँ पे तो आपको सांस लेने को भी जगह नहीं है। तो एक दिन में आप आराम से इस मेले को कवर कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। फिर भी अगर आप ध्यान रखें किस जोन में आप जा चुके हैं किस में नहीं, तो आप आराम से कवर कर लेंगे। तो अब जो 5:30 बजे कार्निवल स्टार्ट होता था वो स्टार्ट होने वाला है, और आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसा कुछ हम पहली बार देखें। बाद अब हम वेट कर रहे हैं परिक्रमा की लाइव परफॉर्मेंस का। तो यार अभी जस्ट हम परिक्रमा बैंड की परफॉर्मेंस देके बाहर आए हैं, और रात को यहाँ का माहौल बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। और ये तो फिर भी मेन रोड है, अंदर की साइड तो हम गए भी नहीं है, बट यहाँ का अभी जो एनवायरनमेंट और ऑरा है वो बहुत डिफरेंट और बहुत ब्यूटीफुल है। तो यार हम बहुत टाइम से एक वुडन कार्विंग की चीज देख रहे थे, वो एक्चुअली 10 अवतार हैं विष्णु के, और वो हमें मिल गया, वो भी 3 फीट में, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आर्काइक उसमें कार्विंग्स हैं। सबसे बड़ी बात वो हमें 1500 में मिल गया है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस सूरजकुंड मेले का, जो हम भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, और आई होप आपको भी वो सारा एक्सपीरियंस मिला हो, वो डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज़ का कल्चर, क्राफ्ट और उनका ट्रेडिशन आपको इस व्लॉग के ज़रिए ज़रूर पहुँच पाया हो। हमने इस व्लॉग में कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कोई भी रेट नहीं बताया, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, पर इसके थ्रू हमारा एम यही था कि जो सूरजकुंड मेला नहीं एक्सपीरियंस कर पाते वो हमारे साथ हमारे नजरिए से सूरजकुंड मेला एक्सपीरियंस कर पाए। आई होप ये व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, डिफरेंट लगा होगा। तो ऐसे ही व्लॉग्स अगर आपको देखना है तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल पूजा गुरु की पंचायत। एंड इस व्लॉग को करते हैं यही रैप, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।